संख्या में आपको लेने के लिए आया है एयरपोर्ट में। यही तो है प्यार, यही तो है अरुणाचल प्रदेश के पूरे हमारे प्रदेश के लोगों के दिलों में जो प्यार और जो विश्वास हमारे लिए बसता है, यही है। और यहाँ पर साबित हो गया कि हम बिल्कुल सही जगह पर खड़े हैं और हमें पूरा भरोसा है कि इनका प्यार और इनका विश्वास और इनका अपनापन जरूर अपना रंग दिखाएगी। शीतल, आपने जो पार्टी ज्वाइन किया, गन सुरक्षा पार्टी है या मंच है, लोगों में कंफ्यूजन था, थोड़ा सा आज क्लियर ही कर दीजिए आप, क्योंकि ईटानगर पहुंच गया तो। उसके लिए भाई साहब आपको न्योकुम लापंग तक आना पड़ेगा। क्योंकि आप दिल्ली से ईटानगर आज पहुंचा है तो लोगों को संदेश दीजिए कि आप आया है ईटानगर में, और न्योकुम लापंग तो चलिए यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, तो फिर भी एक कोशिश कीजिए कि यहाँ से एक संदेश देने के लिए अरुणाचल के जनता को। मैं ये कहना चाहूँगी, हमारे प्रदेश के पूरे जितने भी प्रजाति यहाँ पर बसते हैं अरुणाचल प्रदेश में, चाहे वो मेरे समर्थक हो या फिर मेरे विपक्षी हो, चाहे कोई भी हो, जो भी इस धरती के अरुणाचल धरती के जितने भी सुपुत्र सुपुत्री है वो सारे मेरे भाई बहन हैं। तो मैं आप सब से अनुग्रह करना चाहूँगी कि प्लीज़ हमारे साथ जुड़िए, हमारी इस मुहिम में जुड़िए। हमारी ये लड़ाई है, हमारी ये जंग है आज़ादी के लिए, उस आज़ादी के लिए जो एक मानवता के अधिकार के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, एक ह्यूमन राइट्स के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। इस तानाशाही सरकार, इस करप्ट भ्रष्ट कोरी सरकार, हम तंग आ चुके ऐसे सिस्टम से, तो सिस्टम को चेंज करने के लिए हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर जुड़े रहिए। हम जहां कहीं भी रहेंगे, अगर आपको पहले सबसे पहले जरूरत होगी, हमारी बातें पहले सुन लीजिए, पसंद आना नहीं आना वो बात की बात है। तो ये मेरी अनुग्रह है कि जरूर आइएगा, अभी भी अगर आपके माध्यम से मुझे कोई सुन रहे हो तो न्योकुम लापंग तक जरूर पहुंचिए, आज हम पूरे विस्तार से वार्तालाप करेंगे। पार्लियामेंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से आप एमपी कॉन्टेस्ट करेंगी, यहाँ के एक बहुत बड़े दिग्गज नेता है पूरे भारत के, किरण रिजिजू, उनको टक्कर देना कितना आपके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि पूरे भारत में उनका नाम है किरण रिजिजू। नाम उनकी होती है जो अच्छा काम करते हैं। अभी अभी हमें वो अवसर प्रदान नहीं हुआ है कि हम अपना कार्य करके लोगों को दिखा सके, जब हमारी हमको वो अवसर प्रदान होगा हम उनसे भी बड़े काम कर सकते हैं।